आप सभी को जय मसीह की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेना। ये वीडियो बड़े काम का है आपके लिए। अगर आपका बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता है, आइए आदत डाल दो। अगर प्रार्थना करने का मन नहीं करता है तो आज से ही ये प्रार्थना करना शुरू कर दो। अगर आपको सीरियल देखने की आदत बढ़ गई है तो उसे अभी बंद कर दो। अगर शादी से पहले अपने होठों पर लिपस्टिक लगाने की आदत पड़ गई है तो उसे अभी बंद कर दो और प्रार्थना करो कि यीशु अभी मत आओ। अगर आप मुंह से गाली निकालते हो तो ये सब बंद कर दो। और गुटखा चबाना, बीड़ी, सिगरेट, दारू शराब पीने की आदत पड़ गई है तो उसे अभी बंद कर दो। जो परमेश्वर ने आपको अवसर दिया है इसके लिए धन्यवाद करो उस परमेश्वर का। अभी आप जिंदा हो, अपने जीते जी अपने पापों से पश्चाताप कर लो, वरना किसी दिन अचानक आपके बॉडी से आत्मा निकल गया तो आपको मन फिराने का अवसर नहीं दिया जाएगा। इसलिए अभी समय है, जो आज गए हैं मरकर, जो कल गए हैं मरकर, बिना सुषमाचार ही के मर गए होंगे, उनके लिए कोई आस की किरण नजर नहीं आ रही होगी। वे लोग उस समय धनवान की साइड तड़प रहे होंगे। बाइबल बताती है एक बार मरना और फिर उसके कामों के अनुसार उसका न्याय करना बहुत ही जरूरी है। वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेना। जो भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा उसको ध्यान से आंख खोलकर देख लेना, क्योंकि समय कम है और दिन बुरे हैं। समय थोड़ा बचा हुआ है, मन फिरा लो। परमेश्वर आपको जिंदा जला डालेगा इस पृथ्वी पर। अगर यहाँ रह गए गलती से तो रेप्चर में चोर हो जाने के बाद मसीह विरोधी के दिन में हाहाकार मचा होगा। जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपना चौथा कटोरा उड़ेलेगा तो जो मनुष्य रह जाएंगे वे जिंदा जलेंगे इस पृथ्वी पर, जैसे प्रकाशित हुआ कि 16:8-9 वचन में लिखा हुआ है। और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उड़ेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया, और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए, और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन सब विपत्तियों पे अधिकार है, उसकी निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया। मनुष्य यहाँ जिंदा जलेंगे, जिंदा मनुष्यों की चमड़ियाँ जिंदा झुलस जाएंगी, उनकी चमड़ियाँ सिकुड़ जाएंगी, जिंदा ही सिकुड़ जाएंगी। इस सूरज के ऊपर एक आग का गोला बना देगा और लोग मर जाएंगे मगर स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। पाप विचार छोड़ दो। क्यों अपने प्राण को नाश करना चाहते हो? क्यों नरक में जाना चाहते हो? छोड़ दो सब, जैसे मत्ती 5:29 में लिखा हुआ है, यदि तेरी दाहिनी आंख जो ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। आपको लगता है कि मेरा फोन ही मुझे पाप में गिराता है तो उसे कम यूज करो। अगर आपको लगता है कि मैं उस लड़की के द्वारा ही कारण ही पाप में गिरता हूँ तो उसे छोड़ दो। ना कि आपको हाथ काटना है, ना कि आंख निकालना है। पाप विचार के द्वारा परमेश्वर के मंदिर को नष्ट मत करो, वरना परमेश्वर आपको नष्ट करेगा। अगर एक बार उस अधोलोक में चले गए तो वहाँ से कभी बाहर नहीं आ पाओगे, जैसे मत्ती 5:30 में लिखा हुआ है। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे अपने पास से काटकर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। अगर आपको हस्तमैथुन करने की आदत पड़ गई है मेरे प्रियो तो उसे अभी बंद कर दो। इस संसार के पीछे मत चलिए, वरना यही संसार ही आपको डुबो कर रख देगा। अगर आपके पास चाहे जितनी सुंदर गर्लफ्रेंड आए तो उसे अभी गुड बाय बोल दो, छोड़ दो उसे, ये सब गंदी लते छोड़ दो और लौट आओ परमेश्वर के पास। परमेश्वर आपको एक नया जीवन देगा। परमेश्वर से मुंह मत मोड़ो मेरे प्रियो, एक दिन हम उनसे आमने सामने मिलेंगे। परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांग लेना, हो सकता है परमेश्वर आपको एक नया जीवन दे दे। आशा करते हैं छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों के पास शेयर जरूर कर दे। ओके, आप सभी को जय मसीह की, गुड लक।